समझौते। जैसे माला हम जप कर रहे हैं, माला जपने से पहले हम जिस मंत्र का प्रयोग करें और माला मेरू पहुंचने के बाद फिर उस मंत्र का जप करें, वो संपूट कहलाता है। यानी जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उस मंत्र से पहले और मंत्र के बाद जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको संपूट कहा जाता है। भीष्म पितामह के चालाकी देखो, देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा दिए हैं, वो भी संपूट क्या लगाए, गुरु नाम को संपूट लगाए। जैसा उनका जो भी मंत्र था उस मंत्र को जपते समय संपूट में श्री परशुरामाय नमः गुरु मंत्र के साथ गुरु नाम का संपूट लगाया गया। गुरु मंत्र में गुरु का संपूट लगा है, महादेव प्रसन्न हो गया, बोले बड़ा विलक्षण शिष्य है, बोले प्रकट हो गया महादेव, बोले क्या इच्छा है पुत्र, तुम्हारे गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शिव भक्ति नहीं बोले, तुम्हारे गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो प्रदान मांग लो। भीष्म कहता है महादेव आज मैं ऐसी स्थिति में पड़ा हूं महादेव कि मेरे गुरु के साथ मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। बोले तुम क्या चाहते हो भीष्म? बोले बस मैं इतना चाहता हूँ महादेव कि इस युद्ध में जो परिणाम होगा या तो मैं जीतूंगा या तो मेरे गुरु जीतेंगे। यदि मैं जीत गया महादेव और मेरे गुरु हार गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा महादेव कि मेरे से मेरे गुरु हार जाएंगे, और यदि मैं हार गया तो मेरे गुरु जीते जी मर जाएंगे क्योंकि मेरे गुरु का घमंड टूट जाएगा। मेरे गुरु को यह भरोसा है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य भीष्म है और भीष्म आज युद्ध पराजित हो गया, क्योंकि मेरे गुरु हमेशा ये कहते हैं भीष्म कभी पराजित नहीं हो सकता, यदि मैं पराजित हो गया तो मेरे गुरु लज्जित हो जाएंगे। दोनों ओर से मैं फंस गया हूँ महादेव, कुछ ऐसा वरदान दीजिए महादेव कि इस युद्ध में मैं जीत जाऊं और मेरे गुरु पराजित भी ना हो, मैं जीत जाऊं और मेरे गुरु पराजित भी न हो। महादेव बोले तथास्तु। उस समय महादेव भीष्म को एक अस्त्र दिए, उस अस्त्र का नाम था प्रश्वापास्त्र। बोले बेटा इस अस्त्र का सामना तुम्हारे गुरु भी नहीं कर सकेंगे, कल के युद्ध में इस अस्त्र का संहार करना। दूसरे दिन युद्ध में परशुराम जी के साथ जब भीष्म युद्ध करने आए, प्रश्वापास्त्र के आह्वान के परशुराम जी प्रश्वापास्त्र को देख के शांत हो गए। शांत होने के बाद आकाश में हुआ, ब्रह्मदेव बोले पुत्र भीष्म इस अस्त्र का प्रयोग गुरु के ऊपर करना गुरु का अपमान है, तुम्हारे गुरु के पास इस अस्त्र का उत्तर भी नहीं है। एक काम करो पुत्र, तुम युद्ध जीत गए, डिसीजन ब्रह्मा जी ले रहे, तुम युद्ध जीत गए। भीष्म कहता है मैं कैसे युद्ध जीत सकता हूँ, उस बाण को लिए अपने गुरु जी के पैरों में रख दिए, ये आप ही का प्रसाद है गुरुदेव, मैं इस विजय को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप जीत गए गुरुदेव। दोनों बात बन गया, न भीष्म हारे न परशुराम हारे, भीष्म जीत भी गए और परशुराम पराजित भी नहीं हुए, क्योंकि जिस बाण से वो जीते थे उसी बाण को लेके वो अपने गुरु के चरणों में रख रहे। परशुराम बोले तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया पुत्र, जाओ पुत्र। भीष्म आए हस्तिनापुर, राजगद्दी संभालने लगे, राजकाज संभालने लगे अपने भाई विचित्र वीर जयत्रांगद के साथ। अब ये अम्बा जो थी उसका क्या, नारी का प्रतिशोध, वो अम्बा देखी परशुराम भी अब मेरे को न्याय नहीं दिला सके तो अब मेरे को कौन न्याय दिलाएगा, तो विचार किया एक काम करते हैं, मनुष्य लोग मेरे को न्याय नहीं दिला सकते, अब मेरे को यदि कोई न्याय दिला सकते हैं तो केवल देवादिदेव महादेव दिला सकते हैं, क्योंकि महादेव जी हैं जो हर असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। इच्छित फल बिन शिव अवराध है, लहई की जोग जतन कर साध है, भाव ही मैं की सकै त्रिपुरारी, महादेव की उपासना करती है अम्बा कठोर तपस्या की, महादेव के तपस्या करते 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 महादेव प्रकट हो गए उनके सामने। अब महादेव और अम्बा के बीच में जो संवाद होगा उस संवाद को भी आप सभी लोग एकदम ध्यान से एक एक शब्दों को सुनना। अम्बा से महादेव बोले क्या इच्छा है देवी? अम्बा कहती है मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ महादेव। महादेव बोले भीष्म की मृत्यु संभव नहीं है देवी। बोले क्यों महादेव? बोले वो इतने बड़े ब्रह्मचारी है, उसको मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है तो मृत्यु भी उसके पास नहीं जा सकता, तो उसको मारेगा कौन? तो बोले मैं मारूंगी। बोले तू भी स्त्री है, तू भी नहीं मार सकता। तो बोले कृष्ण तो मार सकते हैं, कृष्ण तो सर्व समर्थ है, कृष्ण मारेंगे, कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। महादेव वहां पर स्पष्ट बोले कृष्ण भी भीष्म को नहीं मार सकते। अम्मा कहती है कृष्ण भी भीष्म को नहीं मार सकते। बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि कृष्ण जी एक स्त्री है, क्योंकि कृष्ण जी एक स्त्री है। मैं देवी भागवत जब किया था आपके नगर में तो आप लोगों को देवी भागवत में विस्तार से समझाया था कृष्ण जी कौन है, साक्षात मूलतम।